गढ़चिरौली जिला, जो पहले नक्सली गतिविधियों और नक्सली हमलों के लिए जाना जाता था, अब धीरे धीरे बदलाव की ओर अग्रसर है। पहले यहां सरकारी कर्मचारी और अधिकारी तबादले के बाद नौकरी छोड़ देने को प्राथमिकता देते थे और उद्यमी निवेश करने से कतराते थे, लेकिन अब इस जिले में हालात काफी हद तक बदल चुके हैं। सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने की उद्देश्य से गढ़चिरौली में 10,000 करोड़ का निवेश किया है। इस इन्वेस्टमेंट से स्थानिक लोगों को रोजगार सहित गढ़चिरौली जिले का औद्योगिक विकास भी संभव हो सकेगा। जिले में लगातार हो रहे नक्सली हमलों के चलते अब तक इस जिले का विकास मानो थम सा गया था, लेकिन पुलिस की ओर से नक्सलियों पर लगाई जा रही लगाम के चलते अब नक्सली मुठभेड़ खत्म होने के कगार पर पहुंच चुका है, जिसके फलस्वरूप अब उद्योजक भी गढ़चिरौली में निवेश करने के हेतु खुलकर सामने आ रहे हैं। सरकार की ओर से किया जा रहा 10,000 करोड़ का निवेश इस नक्सल प्रभावित जिले को विकास के दिशा में लेकर जाएगा, जिसका सीधा फायदा गढ़चिरौली के स्थानिक नागरिकों को होगा। हाल ही में राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस और अर्थ एवं नियोजन मंत्री तथा उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने जिले में हो रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरे के दौरान C60 कमांडो ने वांडोली गांव में छिपे 15 से 20 नक्सलियों को मार गिराया। इस मुठभेड़ में 12 नक्सलियों का सफाया हुआ, जबकि 3 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए नागपुर लाया गया। कल हमारे C60 के दस्ते के साथ गढ़चिरौली छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे जो मुठभेड़ हुई है, उसमें 12 नक्सलवादियों की मृतदेह हमें मिली है। भारी मात्रा में दारूगोड़ा और हथियार भी हमने जब्त किया है। अभी भी उस एरिया में सर्च अभियान शुरू है और हमारे जो एक अधिकारी और 2 जवान हमारे ऐसे गोली लगने से जख्मी हुए थे, उनके ऊपर नागपुर में और गढ़चिरौली में उपचार शुरू है और वो अभी खतरे से बाहर है। ऑटोमेटिक वेपन और 4 दूसरे हथियार हमने जब्त किए हैं। 7 ऑटोमेटिक वेपन में 3 AK-47 और बाकी हथियार हैं, और भारी मात्रा में नक्सल साहित्य भी हमने जब्त किया है। माननीय गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य ने कल 51 लाख रुपए का बख्शीश जाहिर किया है। वो हमारे लिए बहुत ही प्रोत्साहित करने वाला अनाउंसमेंट है और गढ़चिरौली पुलिस इसको लेकर के और मोटिवेटेड होकर के आगे काम करेगी। पुलिस के लिए सबसे बड़ी कामयाबी यह रही कि जहाल नक्सली गिरिधर ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिस पर सरकार ने लाखों का इनाम रखा था। सरकार ने C60 कमांडो और गढ़चिरौली पुलिस को इस कामयाबी के लिए 51 लाख रुपए का इनाम दिया है। अब नक्सली भी समझ चुके हैं कि उनकी जंग उन्हें अब उनके मकसद तक नहीं पहुंचा सकती, बल्कि मौत तक जरूर ले जा सकती है। इसलिए बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर देश के विकास की मुख्य धारा में शामिल हो। शंखनाद न्यूज के लिए सनी भुंगाड़े की खास रिपोर्ट। क्या हुआ बहू? उमा, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड दिघोरी बस स्टॉप के पास नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepileshospital.com।